गुड मॉर्निंग क्लास, आवाज आ रही है? यस सर। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। क्लियर है? ओके। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लास्ट लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग हुआ था ना? यस सर। चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन का। सर मॉर्निंग में ब्लड रिलेशन अब भी तो हुआ था ना? हो गया था क्या? हाँ सर। एक मिनट देखने दो, शायद नहीं हुआ था मुझे ऐसा, क्योंकि डायरेक्शन हुआ था, डायरेक्शन के आगे सर ब्लड रिलेशन ही हुआ था उसके पहले। हाँ एक मिनट रुक जाओ। उसके पहले इनइक्वालिटी हुआ था, फिर इनइक्वालिटी के पहले हमारा हुआ था डायरेक्शन, और डायरेक्शन के पहले हुआ था हमारा ब्लड रिलेशन। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन। चलो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन, हमारा क्या क्या हुआ है? ब्लड रिलेशन हो गया है, यस सर। डायरेक्शन हो गया है, यस सर। कोडिंग डिकोडिंग अभी जस्ट हुआ ना, नॉट इन इक्वालिटी अभी हो गया। हाँ सीरीज सर। हुआ है क्या? नहीं सर, सीरीज नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना? ओके। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन कोडिंग इन इक्वालिटी सिलोक्स नहीं हुआ है सर। तो हम लोग सीरीज बाद में स्टार्ट करते हैं, सिलोक्स पहले ले लेते हैं, ठीक है? सिलोक्स पहले ले लेते हैं, सिलोक्स ले लेते हैं हम लोग। आज का टॉपिक डाल दो, सीरीज इजी चैप्टर है, इसके लिए बाद में ले लेंगे। आज का टॉपिक डाल दो ये वाला। ब्लड रिलेशन नहीं है सर। नहीं ब्लड रिलेशन नहीं है, ऑलरेडी हुआ है इसके पहले, तो सीरोक्स ले लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक सर। देखो मैं सिलॉक्स की बात करूं तो चाहे बैंकिंग हो या इंश्योरेंस हो, यहां से आपको 2 से 5 मार्क के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो यहां से आपको 4 से 6 मार्क्स देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम मिला के, इसमें वेन डायग्राम भी आता है एसएससी वालों को, बैंक वालों को नहीं आता। तो बैंक एंड इंश्योरेंस में 2 से 5 मार्क्स सिलॉक्स में है, एसएससी रेलवे को 4 से 6 मार्क्स सिलॉक्स प्लस वेन डायग्राम मिला के आता है। क्लियर? ये होगी वेटेज की बात। दूसरी बात, यहाँ पे हम देखेंगे इसके टाइप्स कितने होते हैं। पहला ऑल, सेकंड सम, थर्ड नॉट, फोर्थ पॉसिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी अगर आपको देखना आ गया तो समझ जाओ आने वाले जितने भी टाइप्स हैं आपको आ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है पॉसिबिलिटी आना। पांचवा सम नॉट, छठवा ओनली, सातवा ओनली अ फ्यू। ये टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें पूछे जाएंगे। इसे लिख लो एक बार टाइप्स में, वन बाय वन इसका हम चेक करेंगे टाइप्स को। लिख लीजिए,
हो गया सर। हो गया ओके सर, हाँ रफ कर दूँ क्या? सबका हो गया, रफ कर दूँ? हाँ सर हो गया। हाँ चलो, अब इन चीजों को हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो समझो बात, यहाँ पे पहला टाइप हमारा क्या है, ऑल है। आपको एग्जाम में पैटर्न कैसे आएगा पहले इसे समझ लो। ये ऑल को समझने से पहले हम पैटर्न समझते हैं क्या होता है। एग्जाम में जब भी आप जाओगे, इनइक्वालिटी सिखाया था मैंने सभी लोगों को, याद है? यस सर। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी जैसा ही आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, चाहे वो एक लाइन का, मिनिमम दो लाइन का स्टेटमेंट आता है, तीन या चार कुछ भी हो सकता है, और आपको कंक्लूजन दिया जाएगा। पहला और दूसरा, आपको वेन डायग्राम बनाना है और एक कंक्लूजन मैच करना है वेन डायग्राम से, ना कि स्टेटमेंट से। इस तरीके से आपको मैच करना है। तो ये हमारा पैटर्न होगा सिनॉक्स का। स्टेटमेंट गिवन होगा, इसको देख के वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाने के बाद आप कंक्लूजन से मैच करो, वेन डायग्राम मैच हो रहा है नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को पिक करो। जैसे देखो यहाँ पे अभी यहाँ पर दिया है ऑल, अभी ऑल को कैसे समझेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो। अगर आपको स्टेटमेंट दिया है, का तो हो गया ना, ऑल हो गया, सम हो गया, नॉट भी हो गया, पॉसिबली आप आफ्टरनून आफ्टरनून के बैच में बैठे थे मैम, आप तीनों बैच में बैठे थे क्या? तीनों बैच में बैठते हो ना आप सोनी? हाँ। हाँ, तो मॉर्निंग के बैच में नहीं हुआ है। तो ये मॉर्निंग में स्टार्टिंग से हो रहा है क्या सिलॉक्स? सिलॉक्स स्टार्टिंग से हो रहा है। अगर आप तीनों बैच में बैठ रहे हो तो आपका सब टॉपिक एक डेढ़ महीने में हो जाएगा। देखिए बाकी लोग उनका क्या, जो वर्किंग करते हैं, हर बैच में लेना है ना मुझे हर चैप्टर। चलो ऑल ए इज बी, अगर आपके स्टेटमेंट में ऑल ए इज बी दिया हो तो आप वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? ऑल ए इज बी हटा दो, ये लिख लो, ऑल थाने मुंबई, पूरा का पूरा थाने क्या है, मुंबई है। तो देखो वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर आ जाएगा। तो ऑल थाने इज मुंबई बना कि नहीं बना स्टूडेंट्स बताओ? यस सर। ठीक है, ऑल थाने इज मुंबई, ये तो हो गया स्टेटमेंट, आपने देखा वेन डायग्राम बनाया। अब ये वेन डायग्राम से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, अगर पूरे का पूरा थाने मुंबई है तो कंक्लूजन याद रखना, स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो होता है वो कभी कंक्लूजन नहीं बनेगा। जैसे आपको पूछ लिया कि क्वेश्चन में कि फॉर एग्जांपल इंडिया का पर क्या मतलब ये कितना है, मीन्स जीडीपी कितना है, ग्रोथ कितना है, तो क्या सामने वाले ने आपको कुछ पूछ लिया इंडिया के बारे में, तो क्या सेम क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन होता है क्या, मुझे बताओ? सेम क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन होता है क्या? जैसे आप लोगों का नाम पूछ लिया, आपका नाम क्या है, तो आप रिप्लाई में क्या करोगे, आप ये आंसर करोगे क्या, आपका नाम क्या है, आप आंसर दोगे ना कि मेरा नाम विशाल है या रोहित है या मोहित है राहुल है, यही नाम दोगे ना आप? स्टूडेंट्स बताओ। ठीक है, तो कुछ ये स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं बनेगा। अगर स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन बन गया तो रॉन्ग कर देना, पहला बात। दूसरी बात, इस वेन डायग्राम से हमें यह समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है, तो ये मैं कह सकता हूँ ना कि मुंबई का कुछ ऐसा थाने है, ये कह सकता हूँ कि नहीं? तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है वेन डायग्राम से, सब मुंबई आर थाने, मतलब मुंबई का कुछ ऐसा थाने है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है या नहीं है? यस सर। चलो नोट डाउन कर लो, ऑल का नोट डाउन कर लो।
हो गया तो प्लीज बताइए। हो गया डन सर। चलो ये तो हो गया ऑल का स्टेटमेंट और कंक्लूजन। हम बात करते हैं सम की। अगर आपको यहाँ पे सम दिया हो, सम को समझो। अगर आपको स्टेटमेंट में लिखा सम थाने और मुंबई, सम थाने और मुंबई मतलब थाने का कुछ हिस्सा मुंबई है। तो देखो सम का रिलेशन में आया कि नहीं, थाने का कुछ हिस्सा देखो मुंबई हुआ कि नहीं। स्टूडेंट्स बताओ हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, थाने का कुछ हिस्सा मुंबई है। तो कंक्लूजन, तो ये स्टेटमेंट तो कभी कंक्लूजन आएगा नहीं। तो कंक्लूजन इस वेन डायग्राम से क्या निकल रहा है, जैसे थाने का कुछ हिस्सा मुंबई है तो मुंबई कुछ थाने बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम मुंबई इस थाने, इसको लिख लो। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अगर आप लोग ऐसे आंसर नहीं करोगे मैं ब्लाइंडली पढ़ाऊंगा, फिर मैं आप डाउट पूछोगे मैं फिर रिवर्स नहीं आ रहा है समझ कि मुझे किसी का चेहरा दिख रहा नहीं है और फिर मैं ब्लाइंडली पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे हिसाब से आप मॉर्निंग में भी एकदम सुस्त रहते हो, कैसे काम चलेगा? मुझे सिर्फ दो ही स्टूडेंट दिखते हैं यहाँ पे बोल रहे हैं, विशाल और एक विशाल, दोनों विशाल में दो ही स्टूडेंट बोलते हैं बस। हो गया तो प्लीज बताना। डन हो डन। चलो यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाला नॉट का रिलेशन। अगर स्टेटमेंट में दे दिया नो मोहित इज रोहित, मेरा नाम नहीं लेता हूँ राहुल, ठीक है मोहित और राहुल में नो का रिलेशन है। तो नो का रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है? ये बीच में हमने क्रॉस लाइन किया है इसलिए नो का रिलेशन दिख रहा है। तो कंक्लूजन में क्या निकल के आएगा, अगर मोहित का रोहित के साथ नहीं जम रहा है तो रोहित राहुल भी यही बोल सकता है ना कि राहुल और का मोहित के साथ नहीं जमता है, बोल सकता है कि नहीं? नो राहुल इज मोहित। यस करेक्ट। सो नोट डाउन कर लो।
हो गया सर। ऑल और सम का कंक्लूजन सेम सेम ही एक जैसा ही है? नहीं नहीं, ऑल और सम का कंक्लूजन अलग है। जैसे ऑल में क्या होता है, जैसे ऑल थाने इज मुंबई, तो मुंबई सब मुंबई इज थाने होता है, क्योंकि इसमें छोटा वेन डायग्राम है, इसके लिए आपको ये एक मतलब सम लग रहा है, मतलब सेम सेम लग रहा है। जैसे थाने और मुलुंड है, तो सम थाने इज मुलुंड, तो मतलब यहाँ पे सम मुलुंड इज थाने हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। बट फर्क को समझो, अगर ये डायग्राम में और ये डायग्राम में अगर और कोई डायग्राम आता है ना, तो दोनों का कंक्लूजन चेंज हो जाता है। तो इसके लिए छोटे छोटे डायग्राम में इसके लिए आपको लग रहा है कि ये आपका सेम है, लेकिन एक्चुअल सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये हो गया, प्लीज बताओ। हाँ सर। देखो, ऑल सम और नो, ये तीन का हमने इंडिविजुअली कैसे वेन डायग्राम बनना चाहिए और क्या क्या ये आ सकता है कंक्लूजन हमने यहाँ पे देखा। बट एग्जाम में आपको इस तरह इंडिविजुअल डायग्राम नहीं आएगा, एग्जाम में आपको कंबाइंड डायग्राम आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन हो सम ए इज बी, नो बी इज सी, ऑल ए इज डी। जैसे यहाँ पे देखो, सम भी आया, नो भी आया, ऑल भी आया ना, आया कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये सम, नो और ऑल यहाँ पे आया है, तो इसी तरीके से आपको कंबाइन आएगा, इंडिविजुअल कभी नहीं आएगा। जो इंडिविजुअल मैंने इसलिए सिखाया कि अब इंडिविजुअली कैसे हमें वहां पे वेन डायग्राम बनाना चाहिए और उसके कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं, इंडिविजुअली मैंने बताया। अब देखो, इसमें वेन डायग्राम बना रहा हूँ, किस तरीके से बनेगा देख लो। सम ए इज बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है। जैसे हमने सम के डायग्राम बनाया था, क्लियर? नो बी इज सी, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, किस तरीके से हमने नो का भी देखा था। ऑल ए इज डी, पूरा का पूरा ए क्या है, डी है। ऑल ए इज डी, पूरा का पूरा ए क्या है, डी है। इस तरीके से हमें कंबाइंड वेन डायग्राम बनाना है। सबको समझ में आया कैसे बना वेन डायग्राम? ठीक है, अब ये तो वेन डायग्राम बन गया, आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया, ऑल सम और नो का, ठीक है। बट इसके कंक्लूजन क्या क्या राइट होंगे, क्या क्या रॉन्ग होंगे, वो हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए कंक्लूजन देखना ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूं सम नंबर वन, सम बी इज ए है कि नहीं, क्या बी का कुछ हिस्सा ए है कि नहीं, देखो जरा। यस सर। है ना, देखो ए और बी में सम का रिलेशन है कि नहीं स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर सेकंड में ऐसा बोलूं, सम बी इज डी, क्या बी का कुछ हिस्सा डी है कि नहीं, देखो जरा। यस सर। दिख रहा है बी का कुछ हिस्सा डी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं सम D is A, क्या D का कुछ हिस्सा A है कि नहीं? है कि नहीं स्टूडेंट्स, बाकी लोग बताओ। है ना, जैसे हमने लिया था ना थाने और मुंबई का, कि सम मुंबई थाने, तो वही चीज है ना यहाँ पे, तो सम D is A, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलू नो C is D, नो C is D, राइट होगा कि रॉन्ग होगा? राइट होगा, तो हम लोग राइट कर देंगे। अब देखो, ये तो होगी राइट वाली बात, अब हम लोग रॉन्ग वाला देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर, दिख रहा है प्रॉपर यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, ये रॉन्ग वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया। अगर मैं आपसे बोलू नो ए इज सी, ए और सी के बीच में कहीं पे भी हमारा नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? कंफ्यूज हो गए? But relation है ही नहीं ना sir, directly हमने cross कर दिया middle में। नहीं नहीं, जब relation, क्या आपको no का relation दिख रहा है क्या? क्या इस तरीके से आपको नहीं, no का बनाया नहीं, है क्या? इस तरफ से नहीं है। नहीं बनाया, तो examiner कैसे कह सकता है कि no
एईसी, तो एग्जामिनर को हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि नहीं इसमें ना तो नो का रिलेशन है, ना ही सम का रिलेशन है, ना ही ऑल का रिलेशन है, बिटवीन ए एंड सी, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं तो एग्जामिनर कैसे बोल सकता है कि नो का रिलेशन दिख रहा है, इसे हम लोग रॉन्ग कर दें। क्लियर? सेकंड पे आ जाओ, अगर मैं बोलूं नो डी इज सी, क्या डी और सी के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है, तो एग्जामिनर कैसे बोल सकता है कि नो डी इज सी, इसे हम रॉन्ग कर देंगे। अगर आपको ऐसा पूछा गया सम डी इज सी, क्या डी और सी में सम का रिलेशन दिख रहा है? क्या डी और सी के बीच नहीं दिख रहा है? जब डी और सी के बीच कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है तो एग्जामिनर कैसे बोल सकता है सम का रिलेशन है? इसी तरीके से नो का जैसे हमने कैंसिल किया उसी तरीके से सम को भी कैंसिल करेंगे। अगर बोल दिया सम ए इज सी, क्या ए और सी के बीच सम का रिलेशन है? नहीं, सम कोई भी रिलेशन नहीं है, तो एग्जामिनर कैसे बोल सकता है सम का रिलेशन है, कैंसिल कर दो। अगर आपको बोला है ऑल ए इज सी, क्या पूरा का पूरा ए सी के अंदर है? नहीं, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। अगर आपको बोला है ऑल डी इज सी, पूरा का पूरा डी सी के अंदर है क्या? तो एग्जामिनर कैसे बोल सकता है, तो इसे रॉन्ग कर दो। तो राइट वाला लिख लो, रॉन्ग वाला लिख लो, इसको पूरा लिख लो फॉर एग्जाम्पल करके, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। सर ये राइट वाला फोर्थ तो नहीं चलता। नो सी इज डी, क्या सी और डी के बीच में नो का रिलेशन? सी और बी, सी और बी है, डी लिखा है, सी और बी, नो सी इज बी। अनिश अभी क्लियर? यस सर। इसको लिख लो और हो जाएगा तो प्लीज बताना। हो गया सर। हो गया, बाकी लोग बताइए हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर।
अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप जरा सॉल्व करिए। ऑल सम नो की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ऑल सम नो, और उसके बाद अगला लेक्चर में हम लोग पॉसिबिलिटी करेंगे। पॉसिबिलिटी अगर आ गया ना, समझ जाओ आपको सिलॉक्स आ गया, ये पॉसिबिलिटी पे ही बाकी के सारे हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। चलो यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट में, ऑल कोर्ट्स आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर ट्रेन्स, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, कंक्लूजन नंबर वन, ऑल टेबल्स आर बसेस नंबर टू, ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स। सॉल्व करिए। सर सेकंड कंक्लूजन राइट है, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड वाला राइट हो रहा है, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, देखते हैं बाकी लोग आ जाएंगे। सर फर्स्ट वाला राइट एंड सेकंड रॉन्ग आ रहा है। फर्स्ट राइट है सर, सेकंड रॉन्ग है। फर्स्ट राइट सेकंड, और विशाल आपका सेकंड राइट आया ना? यस सर। ठीक है चलो देखते हैं। मेरा भी सेकंड राइट। कोई बात नहीं, अलग अलग आएगा। पहला क्वेश्चन है, मैं मान सकता हूँ। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग आ सकता है, चलो देखते हैं। ऑल कोर्ट्स आर टेबल, पूरा का पूरा कोर्ट क्या है? टेबल है। ऑल टेबल्स आर ट्रेन, ये है टेबल। पूरा का पूरा टेबल क्या है? ट्रेन है। ऑल ट्रेन आर बसेस, पूरा का पूरा ट्रेन क्या है? बसेस है। क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? सर चलो, क्वेश्चन ने पूछा है ऑल टेबल आर बसेस, क्या पूरा का पूरा टेबल बस के अंदर है क्या? जरा देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा टेबल जो है वो बस के अंदर है या नहीं है? यस सर है ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशाल गलती कर दी है? यस सर। मिश्रा लोग गलती नहीं करते? कर दिए मिश्रा लोग, गलती करती है। चलो All trains are table. पूरा का पूरा ट्रेन क्या टेबल के अंदर है क्या? पूरा का पूरा ट्रेन टेबल के अंदर है कि सम टेबल, सम ट्रेन आर टेबल? सम है, सम ट्रेन। एग्जैक्टली, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, जिसका ओनली फर्स्ट फॉलो आया। वेरी गुड, किसका किसका आया था? आप न्यू स्टूडेंट हो ना? सॉरी सर, आप न्यू स्टूडेंट हो ना? हाँ सर। चलो मैं आपसे पूछूं जरा, सम बसेस आर ट्रेन राइट होगा? हाँ यस सर। यस सर। ओके,
सम ट्रेन आर टेबल राइट होगा? हाँ सर। सम टेबल आर कोट राइट होगा? हाँ ठीक है। सम बसेस आर टेबल राइट होगा? हाँ राइट होगा। तो आप ये बात को समझो, जब भी इस तरीके का डायग्राम बनेगा, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, बाहर से आप अंदर की तरफ अगर आप जाते हो तो सम का रिलेशन आता है। क्लियर? समझ रहे आपको? जैसे यस सम बसेस आर ट्रेन, बस का कुछ हिस्सा क्या ट्रेन है? देखो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जा रहे हो ना, बस से ट्रेन की तरफ जा रहे हो अंदर की तरफ, तो जब अंदर की तरफ जा रहे हो सम का रिलेशन आएगा। बट ये वेन डायग्राम में अगर आप अंदर से बाहर की तरफ आते हो तो ऑल का रिलेशन है। जैसे ऑल कोट्स आर ट्रेन, तो देखो पूरा का पूरा कोट ट्रेन के अंदर है कि नहीं, है कि नहीं? तो जब भी yes. आप अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो ऑल को अलग सही होगा, बट अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सम आना चाहिए इस वेन डायग्राम में, स्पेशली इस वेन डायग्राम में। ये दूसरा तरीका है समझने का, दूसरा तरीका। हमारा पहला वाला तरीका बेस्ट है। देखो ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये सब क्या है? मतलब ये तो जस्ट बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, बट मैं फॉलो नहीं करता और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये फॉलो मत करो, हमारा वो वाला ही सही है। एक ही दिमाग में बिठा लो कि ऐसे हमने एक ही दिमाग में बिठा लो ये वाला कॉन्सेप्ट, ऑल थाने इज मुंबई, तो मुंबई का कुछ हिस्सा थाने होगा, तो बाकी सब उसी तरीके से है ना। देखो जरा, जैसे पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है तो हमने कंक्लूजन में क्या निकला, सम मुंबई थाने। उसी तरीके से सम बसेस आर ट्रेन, सम ट्रेन आर टेबल, सम टेबल आर कोट, सम बसेस आर टेबल, सम बसेस आर कोट, सम ट्रेन आर कोट, सम ट्रेन आर टेबल, सम टेबल आर कोट, सिंपल। समझा आपको? स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। अगर ऑल का बात करो, ऑल कोट इज ट्रेन, करेक्ट हो जाएगा। ऑल टेबल इज बसेस, करेक्ट हो जाएगा। ऑल कोट इज बसेस, करेक्ट हो जाएगा। ऑल टेबल आर बसेस, करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा कोट क्या है, ट्रेन के अंदर है, करेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा कोट क्या है, बस के अंदर है, करेक्ट होगा। अगर पूछा ऑल कोट इज बसेस, अगर ये पूछ दिया ऑल टेबल आर बसेस, क्या पूरा का पूरा टेबल बस के अंदर है, तो यस है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है किसी को, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए, नहीं तो आगे बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर। बताइए सर, सम कोट बसेस रहेगा तो रॉन्ग रहेगा ना सर? सम कोट आर बसेस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्यों रॉन्ग होगा मैं बता रहा हूँ। सम कोट आर बसेस नहीं हो सकता क्योंकि ऑल के रिलेशन में कोट है, तो ऑल कोट आर बसेस करेक्ट होगा। जैसे देखो अभी यहाँ पे देखो, थाने और मुंबई को देखो, अगर बोला जाए सम थाने इज मुंबई, विच इज रॉन्ग। और ये वेन डायग्राम से क्या आ रहा है कि ऑल थाने इज मुंबई, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है तो सम मुंबई थाने, करेक्ट होगा। यस सर। तो उसी तरीके से सम बसेस आर कोट, करेक्ट होगा, एंड ऑल कोट आर बसेस, ये करेक्ट होगा। बट ऐसा किसी ने बोल दिया कि सम कोट आर बसेस, विच इज रॉन्ग। क्लियर? चलो और किसी को डाउट है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ू मैं? यस सर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सम मोबाइल आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर कैलकुलेटर,
some calculator or phone. Number one, some phone or computer. Number two, some computer or mobile. Solve करिए. तो सेकंड वाला राइट है तो ओनली सेकंड फॉलो ओनली सेकंड फॉलो देखते हैं यस सर सेकंड फॉलो सर सेकंड फॉलो सेकंड फॉलो चलिए सॉल्व करते हैं पहले वाला क्वेश्चन में पूरा का पूरा ऑल था सेकंड वाले क्वेश्चन में पूरा का पूरा सम देखते हैं सब मोबाइल और कंप्यूटर मोबाइल का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है सब कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर कंप्यूटर का कुछ हिस्सा कैलकुलेटर है सब कैलकुलेटर्स आर फोन कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा फोन है क्या वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था आप लोगों का यस सर पूछा है सम फोन आर कंप्यूटर क्या फोन का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है क्या चेक करिए क्या फोन का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है नहीं सर तो ये रॉन्ग हो जाएगा दूर दूर तक रिलेशन नहीं है दोनों दूर दूर बैठे कोई रिलेशन नहीं सम कंप्यूटर आर मोबाइल क्या कंप्यूटर का कुछ हिस्सा मोबाइल है क्या यस सर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ओनली सेकेंड फोन अभी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे और क्लियर होगा जिससे क्वेश्चन लेंगे क्लियर एवरीवन कोई डाउट है रफ कर दो आगे बढ़े एक मिनट हो गया तो बताना प्लीज हो गया सर All spoons are bowl. Some bowls are glasses. Some glasses are plates. Conclusion number one. Some glasses are spoons. Number two, some plates are bowl. Solve करिए. Sir, none follow. None follow. बाकी लोग आंसर आने दीजिए. Unfollow.
नॉन फॉलो और किसी का आंसर आना बाकी है सन एंड फॉलो चलो सॉल्व करते हैं देखो यार ऑल स्पून्स आर बाउल बोला है पूरा का पूरा स्पून क्या है बाउल है ठीक है सम बाउल आर ग्लासेस बाउल का कुछ हिस्सा क्या है ग्लासेस है सम ग्लासेस आर प्लेट ग्लासेस का कुछ हिस्सा प्लेट है तो क्या वेन डायग्राम सबका ऐसे बना था कि कुछ अलग बना सेम ठीक है सेम सम ग्लासेस आर स्पून क्या ग्लासेस का कुछ हिस्सा स्पून है जरा चेक करिए क्या ग्लासेस का कुछ हिस्सा स्पून है क्या नो सर है नो सर ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि स्पून इधर है और ग्लासेस इधर दूर दूर है कोई रिलेशन है ही नहीं तो ये सम कैसे बोल सकता है इसके हमने रॉन्ग किया सम प्लेट्स आर बाउल क्या प्लेट का कुछ हिस्सा बाउल है क्या नहीं है नहीं है तो इसे हम रॉन्ग कर देंगे प्लेट इधर है बाउल इधर है दोनों दूर दूर वेन डायग्राम है तो ये सम कैसे बोल सकता है एग्जामिनर इसलिए हमने उनको रॉन्ग प्रूव कर दिया और जब भी दोनों रॉन्ग होता है तो क्या टिक करना है हमें नन फॉलो और दूसरा ऑप्शन अगर नन फॉलो ना दिया हो तो neither one nor to follow exactly neither one nor second conclusion ये लिख लो follow इसके नीचे लिख लो आप मतलब इसका ये होता है ना तो पहला वाला ना ही दूसरा वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा या फिर लिख लो उसका एक नॉन फॉलो ऑप्शन रफ कर दो सेकंड हो गया तो प्लीज बताना हो गया चौथा क्वेश्चन सम एनवलप आर पैकेट्स सम पैकेट्स आर बॉक्सेस ऑल बॉक्सेस आर पार्सल Conclusion number one, some parcels are packets. Number two, some parcels are envelope. Only first follow, sir. Only first, baki log ka answer aaya to. Only one. Only
ओनली पहले किसका आंसर आया था, ओनली सेकंड आया था ना, किसका आया था सर? फर्स्ट सर, फर्स्ट ओनली फर्स्ट बोला था। ओके ओके फर्स्ट सर, फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, तो आंसर फर्स्ट ही होगा क्योंकि काफी लोगों का फर्स्ट आया तो यही हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। सम एनवेलप्स आर पैकेट, एनवेलप्स का कुछ हिस्सा पैकेट है। सम पैकेट्स आर बॉक्सेस, पैकेट का कुछ हिस्सा बॉक्सेस है। ऑल बॉक्सेस आर पार्सल, बॉक्सेस पूरा पूरा बॉक्सेस क्या है, ये पार्सल है, और ये हमारा हो गया पैकेट। अच्छा देखिए, पहला वाला कंक्लूजन बोला है सम पार्सल्स आर पैकेट, क्या पार्सल का कुछ हिस्सा पैकेट है क्या? यस सर। अरे कोई आएगा, क्योंकि पैकेट और पार्सल में सम का रिलेशन है। सम पार्सल आर एनवेलप, सम पार्सल और एनवेलप है क्या? नो सर, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, क्लियर? चलो रफ कर दो, आरती म्यूट करो, चलो रफ कर दो। स्टूडेंट्स बताइए, हो गया? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है? कोई है ऐसा जिसे समझ में नहीं आ रहा बताइए, क्लियर हो रहा है? अभी हम सिलॉग्स के बेसिक क्वेश्चन पे हैं, क्लियर हो रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सिलॉग्स के बेसिक क्वेश्चन पे अगर ये बेसिक नहीं आया तो आपको समझ जाइए कि आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे। हार्ड तो नहीं आएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड आएगा। क्वेश्चन दिया है सम कार्ड्स आर प्लास्टिक्स, सम प्लास्टिक्स आर मेटल्स, ऑल मेटल्स आर पॉट्स। कंक्लूजन नंबर वन, सम पॉट्स आर कार्ड्स। नंबर टू, नो पॉट इज अ कार्ड। सॉल्व करिए। None follow. अब आया ना थोड़ा अलग आंसर। चलो देखते हैं। None follow श्रीकांत का। आरती एक बार चेक करो। सेकंड फॉलो ओके, श्रीकांत का सेकंड फॉलो आ गया, आरती का सेकंड फॉलो आ गया, बाकी लोग का नॉन फॉलो, मतलब थोड़ा अलग आ गया। ये तो ग्रुप बढ़ गया हमारा, नॉन और सेकंड फॉलो, नॉन फॉलो। चलो देखते हैं, ठीक है देखते हैं। सम कार्ड्स आर प्लास्टिक, कार्ड का कुछ हिस्सा क्या है, प्लास्टिक्स है। सम प्लास्टिक्स आर मेटल, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा क्या है, मेटल है। ऑल मेटल्स आर पॉट, पूरा का पूरा मेटल क्या है, पॉट है, और ये हमारा प्लास्टिक। चलिए सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था? यस सर, यस सर। ओके, सम पॉट्स आर कार्ड, क्या पॉट का कुछ हिस्सा कार्ड है क्या, जरा देखिए क्या पॉट का कुछ हिस्सा कार्ड है क्या? नहीं। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, नो पॉट इज कार्ड, क्या पॉट और कार्ड के बीच में नो का रिलेशन है क्या? नो सर, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। एक्चुअली मैं ये जो क्वेश्चन है वो आइदर और के कॉन्सेप्ट में जाएगा, जो आइदर और मैं बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल इसको नॉन फॉलो में लिख लो। आगे मैं ये सेम क्वेश्चन रिपीट करूंगा आइदर और के केस में, वो अलग रूल है लेकिन मैं आगे सिखाऊंगा, पहले हम लोग बेसिक सीख लेते।
आरती एंड श्रीकांत आपका रॉन्ग हो गया, आपने सेकंड वाला थोड़ा सा मिस्टेक किया, एक बार चेक कर लेना। यस सर। सर सेकंड वाला कंक्लूजन नहीं समझ में आया। देखो सेकंड वाले में बोला है कि पॉट और कार्ड के बीच में नो का रिलेशन है इस तरीके से, बट एक बार बताओ क्या हमने पॉट और कार्ड के बीच में इस तरीके का नो का रिलेशन बनाया है क्या? नहीं सर। तो एग्जामिनर कैसे बोल सकता है कि नो पॉट इस कार्ड, इसमें हमने रॉन्ग किया। क्लियर? यस सर। बोल सकता है, वैसे तो सेम ही हुआ ना, रिलेशन है ही नहीं ना। ओहो यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। देखो काफी लोगों को ये अब समझो, नो भी इट्सेल्फ एक रिलेशन है। जैसे अगर आपको देखा कि देखो कार्ड और पॉट इधर है, आप बोलोगे इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, तो वो नो नहीं आएगा। नो इट्सेल्फ अ रिलेशन। ऑल कैसे रिलेशन होता है, सम कैसा रिलेशन है, वैसे नो नो खुद में एक रिलेशन है। तो नो में खुद में एक रिलेशन है, बट यहाँ पे देखो ऑल सॉरी ये कार्ड और पॉट में दूर दूर तक तो कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि नो पॉट इज कार्ड, दूर दूर तक कोई रिलेशन, इसका मतलब ये नहीं बोला है कि नो पॉट इज कार्ड आप राइट कर दोगे। नो का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कार्ड और पॉट में इस तरीके का नो का रिलेशन है करके, तो ही ये कंडीशन हमारा नो वाला राइट होगा। अगर ये मेंशन नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि नो का रिलेशन है पॉट और कार्ड के बीच। क्लियर? क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ ओके। क्योंकि नो भी खुद एक रिलेशन है इटसेल्फ। ऐसा आप कभी नहीं बोल सकते कि मतलब सर इन दोनों के बीच में दूर दूर तक तो कोई रिलेशन नहीं है तो नो ऑल राइट हो गया। नहीं, नो एक रिलेशन है, जैसे सम रिलेशन है, ऑल रिलेशन है, उसका भी एक नो एक रिलेशन है कि इन दोनों के बीच में नहीं जमता है। तो हम क्रॉस अगर दिखता तो हम लोग राइट करते, बट क्रॉस दिख रहा नहीं है तो ऑल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नो ही क्यों बोल रहा है एग्जामिनर यहाँ पे, इसके लिए हमने कैंसिल किया। क्लियर? रफ कर दूं? मतलब सी और पॉट के कार्ड और पॉट के बीच में अगर वो क्रॉस साइन रहता तो ये करेक्ट होता ना। एग्जैक्टली। देखो कार्ड जो है और पॉट के बीच में इस तरीके का साइन होता तो हम लोग तो बोल सकते थे डेफिनेटली कार्ड और पॉट के बीच में नो का रिलेशन है, हम डायरेक्टली बोल सकते थे। बट इस तरीके का कोई रिलेशन यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो एग्जामिनर कैसे बोल रहा है कि नो का रिलेशन है पॉट और कार्ड के बीच में। आप नो के रिलेशन को इस तरीके से रिलेट मत करो कि वो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है इट मीन्स नो का रिलेशन। नहीं, दोनों में जब रिलेशन नहीं है तो हो सकता है कि वो ऑल के रिलेशन में हो, सम के रिलेशन में हो या नो के रिलेशन में हो। बट एग्जामिनर ने स्पेसिफिक नो का रिलेशन क्यों लिया यहाँ पर? क्या यहाँ पे डायरेक्टली स्पेसिफिक नो का रिलेशन दिख रहा है क्या कार्ड और पॉट के बीच में, बताइए बताइए। कार्ड और साल्विक कार्ड और पॉट के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं नहीं। तो एग्जामिनर कैसे बोल सकता है कि नो का रिलेशन है? हाँ हाँ समझ गया। इसके लिए कैंसिल। ठीक है, रफ कर दूं? मैं मेरे हिसाब से चलूं? हाँ रफ कर रहा हूँ। रफ कर दो। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो क्या? मैं इतना बुरा पढ़ाता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो आप बोलते क्यों? मुझे तो ऐसे लगता है आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, मुझे डिस्टर्ब करो, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप डिस्टर्ब आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि रफ करना है कि डाउट क्लियर हुआ, यस और नो। ये तो मैं मेरे दुनिया में रहूंगा, ऐसा लगेगा कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगेगा। सर अनम्यूट करना पड़ता है ना। अरे तो कितना मिनट लगता है? तो उसको म्यूट करने का भूल जाते हैं बाद में। तो क्या हो गया, घर की आवाज आएगी ना, और क्या होगा, बस घर की आवाज आएगी।
फिर मैं आपको खुद सामने से बोल दूंगा कि म्यूट कर दो, मैं याद दिला दूंगा। चलिए सॉल्व करिए। ओनली फर्स्ट फॉलो सर। वेरी गुड, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। बाकी लोग आंसर आए तो देखते हैं। Only first follow. Only first. Sir, only first follow. Only first. Time. So solve karte hain. Some decks are tent. डेस्क का कुछ हिस्सा टेंट है। सम टेंट्स आर रिवर, टेंट का कुछ हिस्सा रिवर है। ऑल रिवर्स आर पॉन्ड, ये पूरा का पूरा रिवर क्या है, पॉन्ड है। ठीक है, अब ऐसे वेन डायग्राम बना था सबका। ठीक है सर। सम पॉन्ड्स आर टेंट, क्या पॉन्ड का कुछ हिस्सा टेंट है क्या, जरा देखिए। यस सर। Yes, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टेंट यहाँ पर है और पॉन्ड यहाँ पर है, तो ये हिस्सा पॉन्ड में जा रहा है टेंट का, इट मींस ये पॉन्ड का कुछ हिस्सा टेंट है। सेकंड देखते हैं, सम पॉन्ड आर डेस्क, क्या पॉन्ड का कुछ हिस्सा डेस्क है क्या। देखो पॉन्ड इधर है, डेस्क इधर है, क्या सम का रिलेशन है। Yes, तो इसे रॉन्ग कर देंगे। जैसे प्रीवियस में किसी ने पूछा था कि नो का रिलेशन तो था ही नहीं, तो यहाँ पे भी तो देखा जाए तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये सम कैसे बोल रहा है, इसके लिए हमने रॉन्ग किया। उसी तरीके से जब भी अगर दूर दूर कोई रिलेशन हो और नो पूछा हो तो देख लेना एक बार, दूर दूर रिलेशन कोई उनके पीछे नो का क्रॉस मार्क किया है क्या, नहीं किया होगा तो वो नो कैसे बोल रहा है, इसका रॉन्ग कर। क्लियर, रफ कर दो। यस सर। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन ले लो। ऑल कोर्ट्स आर पेंस, सम पेंस आर नाइफ्स, ऑल नाइफ आर रेक्स। कंक्लूजन नंबर वन, सम रेक्स आर पेंस। नंबर टू, सम रेक्स आर कोर्ट्स। सॉल्व करिए। ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो। ओके, बाकी लोग बताइए। फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट, फर्स्ट फॉलो। चलिए सॉल्व करते हैं। ऑल कोर्ट्स आर पेन, पूरा का पूरा कोर्ट क्या है, पेन है। सम पेन्स आर नाइफ, पूरा का पूरा पेन क्या है, नाइफ है। ऑल नाइव्स आर रेट, पूरा पूरा नाइव्स क्या है, रेट है। क्या इसी तरीके से सबका बना था वेन डायग्राम। यस सर। चलो, सम रेट्स आर पेन, क्या रेट का कुछ हिस्सा पेन है क्या, देखो जरा है ना। यस सर। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। सम रेट आर कोट, क्या रेट क्या कोट है सम के रिलेशन में, नो। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। सबका सेम आ रहा है ना आंसर, कुछ अलग आ रहा है क्या। नहीं सर, सेम। ठीक, चलो रफ कर दो। हाँ। आज सिर्फ हम लोग ऑल सम और नो की ही प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए क्योंकि इसका परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। फिर अगला लेक्चर हम लोग पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक बार ऑल सम में परफेक्ट हो गया, देन पॉसिबिलिटी परफेक्ट हो गया, फिर सिलॉक्स कुछ है ही नहीं। ओके सर।
चलिए तो सिलॉक्स कितने मार्क्स के लिए है? 2 से 5 मार्क के बीच में होता है। बैंकिंग के लिए? बैंकिंग। और एसएससी के लिए 4 से 6 मार्क्स। कंक्लूजन नंबर 1, नन फॉलो। सर नन फॉलो। सर नन फॉलो। नन फॉलो। बाकी लोग का आंसर नन फॉलो। चलिए सॉल्व करते हैं। Some forests are huts. Forest का कुछ हिस्सा हट है। Some hut are walls. Wall का कुछ हिस्सा नेट है। क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? Yes sir. Some nets are forests. क्या नेट और फॉरेस्ट के बीच में सम का रिलेशन है क्या? No. तो ये कैंसिल हो जाएगा। Some nets are huts. Net और हेड के पीछे सम का रिलेशन है? नो। कैंसिल है, मींस नन फॉलो। रफ कर दो क्या? मैं रफ कर दूं तो? ओके सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 9th क्वेश्चन है ना? यस सर। ऑल टेबल आर विंडोज। ऑल विंडोज आर रूम्स। ऑल रूम्स आर बसेस। कंक्लूजन नंबर 1, सम बसेस आर टेबल। नंबर 2, नो रूम्स आर टेबल। ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट। ओके सर। ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट सर। ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए सॉल्व करते हैं। ऑल टेबल और विंडो, पूरा का पूरा टेबल क्या है? विंडो है। ऑल विंडोज आर रूम, पूरा का पूरा विंडो रूम है। ऑल रूम्स आर बसेस, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है। तो पहले वाला क्वेश्चन जो था उसकी तरह। चलो, सम बसेस आर टेबल, क्या बस का कुछ ऐसा टेबल है क्या? यस सर। करेक्ट हो जाएगा। नो रूम और टेबल, क्या रूम और टेबल के पीछे नो करिलेशन है? नो सर। कैंसिल है। और दूसरी बात, और एक बात बताता हूँ, जब भी वेन डायग्राम आपका पॉजिटिव हो, किसी के साथ नो करिलेशन नहीं हो और डायरेक्टली किसी का नो का पूछ लिया, सीधा रॉन्ग कर देना। क्लियर? समझा आपको कैसे? सर इसमें सम रूम और विंडो भी हो सकता है, सम विंडो और टेबल भी हो सकता है ना? क्या क्या? सम रूम्स आर विंडो। विंडो। सम रूम्स आर टेबल। करेक्ट हो सकता ना? यस यस। बट सम टेबल्स आर बसेस नहीं हो सकता। सम टेबल्स आर बसेस। नहीं नहीं, सम नहीं होगा, ऑल होगा। ऑल होगा। यस। चलो रफ कर दो। यस सर।
some trees are boxes. All boxes are bricks. All bricks are dogs. Conclusion number one. No dogs are tree. Some bricks are trees. Solve for it. Only second follow. Only second follow. क्योंकि फर्स्ट तो होगा नहीं, जस्ट मैंने अभी बताया, अगर आपका वेन डायग्राम पॉजिटिव हो तो नो तो आएगा नहीं, जस्ट मैंने अभी बताया, किसी के साथ अगर नो का रिलेशन नहीं है, only second. चलिए सॉल्व करते हैं. सम ट्रीज आर बॉक्सेस. ट्री का कुछ हिस्सा क्या है? बॉक्स है. ऑल बॉक्सेस आर ब्रिक्स. पूरा का पूरा बॉक्सेस क्या है? ब्रिक्स है. ऑल ब्रिक्स आर डॉग्स. पूरा का पूरा ब्रिक्स क्या है? डॉग है. ठीक है. नो डॉग्स, देखो मैंने पहले कह दिया था, आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हो नो का रिलेशन. पहला, अगर आपका वेन डायग्राम में कहीं पे भी किसी के साथ नो का रिलेशन ना दिया हो और यहाँ पे नो पूछा हो, सीधा कैंसिल कर देना. दूसरा हमारा नॉर्मल तरीका सॉल्व करने का, नो डॉग और ट्री. क्या डॉग और ट्री के बीच नो का रिलेशन दिख रहा है? तो ये कैंसिल हो जाएगा, पहला तरीका ये. दूसरा तरीका ये देखो, आप कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नो का रिलेशन है तो ये नो का रिलेशन कैसे बोल सकते हैं? तो ये रॉन्ग कर दो. मतलब आपका वेन डायग्राम अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला वर्ड्स कैसे यूज कर सकता है? तो ये रॉन्ग कर दो. वो एक तरीका है. और दूसरा तरीका हमारा ये वाला जो अभी जस्ट किया हमने, सम ब्रिक्स आर ट्री. क्या ब्रिक्स का कुछ हिस्सा ट्री है क्या? यस सर. यस, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्लियर? चलो रफ कर दो, आगे बढ़े. कर दो रफ. यस सर. All goods are flowers. No flowers is branch. Some branches are roots. Number one. Some roots are gourds. Number two, no roots is good. Solve करिए. None follow sir. None follow. Okay. ये actually either or के rule में है, either or के rule में है, लेकिन फिलहाल आपको मैं none follow में solve करा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आधर का रोल जब बताऊंगा तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा. नॉन फॉलो है क्या? नॉन फॉलो सर. ठीक, चलो सॉल्व करते हैं. ऑल गोड्स आर फ्लावर. पूरा का पूरा गोड क्या है? फ्लावर है. नो फ्लावर्स इज ब्रांचेस. सम ब्रांचेस आर रूट. सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बनाता है. यस सर. कंक्लूजन ने पूछा है सम रूट आर गोट. क्या रूट का कुछ हिस्सा गोट है क्या? नो सर. नो रूट इज गोट. क्या रूट और गोट में नो कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको? नो सर.
नन फॉलो। चलो रफ कर दो, क्लियर है सबको? यस सर। किसी को डाउट है अभी तक? कोई डाउट आ रहा है ऐसा कुछ? नहीं सर। क्लियर है ना? ऑल पॉट्स आर रिंग्स, ऑल बैंगल्स आर रिंग्स, ऑल रिंग्स आर पेंट्स। कंक्लूजन नंबर वन, सम पेंट्स आर पॉट्स। नंबर टू, सम बैंगल्स आर पेंट्स। चलिए सॉल्व करिए। फर्स्ट फॉलो, बोथ फॉलो है शायद सर। बोथ फॉलो? हाँ सर, बोथ फॉलो। और किसी का फर्स्ट फॉलो आया? नो नो सर, और ऑल बैंगल्स आर पेंट्स सर। तो आंसर क्या है श्रीकांत? फर्स्ट फॉलो आ रहा है या बोथ फॉलो आ रहा है? फर्स्ट फॉलो सर, ऑल बैंगल्स आर पेंट्स है ना, सम बैंगल्स नहीं है, पूरा बैंगल्स ही। ठीक है, देखते हैं बाकी लोग का। बताओ बाकी लोग का आंसर आ रहा है सर? फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल पॉट्स आर रिंग, पूरा का पूरा पॉट क्या है? रिंग के अंदर है। ऑल बैंगल्स आर रिंग, देखो बैंगल्स जो है वो रिंग के अंदर है। ऑल रिंग्स आर पेंट, ये पूरा का पूरा, अच्छा ये पॉट है, ये पेंट्स नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पॉट है। अब जरा सॉल्व करो। All pots are ring, all bangles are ring, all rings are, नहीं नहीं पेंट्स है, बरोबर। चलो इस तरीके से बनाओ आपका वेन डायग्राम। कुछ अलग बना है या इसी तरीके से बना है? ठीक बना। सम पेंट्स आर पॉट, क्या पेंट का कुछ हिस्सा पॉट है क्या? यहाँ देखो, क्या पेंट का कुछ हिस्सा पॉट है या नहीं है? जल्दी बताओ। यस सर। यस करेक्ट हो जाएगा। सम बैंगल्स आर पेंट, क्या बैंगल, सम बैंगल्स आर पेंट, क्या बताओ? ऑल बैंगल्स आर पेंट है या सम बैंगल्स आर पेंट? ऑल बैंगल्स। ऑल। तो सम कैसे हो सकता है? ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। किसका किसका राइट आया था? ये मेरा सर। मेरा। ठीक है, चलिए रफ कर दूं मैं। क्या मैं रफ कर दूं? यस सर। सर आप सम बैंगल्स और पेंट्स में क्या रॉन्ग है? कौन सा सम बैंगल्स और पेंट ये पूछ रहे हो? हाँ सर। अच्छा ये देखो, बैंगल इधर है और पेंट इधर है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक टाइम पे वो कोई भी सब्जेक्ट एक रिलेशन ही शो करेगा, बट आप मुझे एक बात बताइए, पूरा का पूरा बैंगल पेंट के अंदर है या पूरा का पूरा पेंट बैंगल के अंदर है? नहीं दोनों अलग अलग है। नहीं नहीं मुझे आंसर बताइए, पूरा का पूरा पूरा बैंगल पेंट के अंदर ना? हाँ। तो ऑल बैंगल्स आर पेंट, ये आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से सही है, बरोबर? अच्छा ओके। तो ये सम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि एक टाइम पे एक ही रिलेशन ही शो करेगा, ऑल बैंगल्स आर पेंट है तो ये सम नहीं होगा ना। अगर ऐसा पूछता कि सम पेंट आर बैंगल तो करेक्ट हो जाता, समझ रहे हो? हाँ हाँ समझा। ठीक चलो रफ कर दूं। हाँ सर।
कविता का रिप्लाई फटक से आ जाता है रफ करने के लिए, हाँ कविता चलो अच्छा काम कर रहे हो। मेरा सब पे नजर रहता है। जल्दी लक्ष्य खत्म करना चाहते हो क्या कविता? नहीं सर ऐसा कुछ बात नहीं है, आप ही बोले डिस्टर्ब किया तो अच्छा लगता है। और को डिस्टर्ब कर रहे ठीक है चलो। सम मतलब डिस्टर्ब करने का ठेका तुमने ले लिया है। हाँ ऐसे ही समझ देगा, अगर मैं कुछ और अच्छा कार्य बोलता हूँ तो शायद all books are pencils, all pencils are jars, number one no books are jar, some paint are pencils. सेकंड फॉलो, सेकंड फॉलो, ओके। सो सेकंड फॉलो, सेकंड फॉलो सर, सेकंड फॉलो, सेकंड, ओके, सेकंड, चलिए सॉल्व करते हैं। सम पेन्स आर बुक, पेन का कुछ हिस्सा बुक है। ऑल बुक्स आर पेंसिल, पूरा का पूरा बुक क्या है? पेंसिल से। ऑल पेंसिल आर जार, पूरा का पूरा पेंसिल क्या है? जार है। और ये क्या है? पेन। ठीक है, क्या वेन डायग्राम सबका ऐसे बना था? यस सर, यस सर, चलो सेम बना। पहला वाला देखो, बोला है नो, कहीं पे भी किसी के साथ नो का रिलेशन किसी का है क्या? नहीं, पूरे वेन डायग्राम में नहीं है तो ये वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। एक तरीका ये, दूसरा हमारा ओल्ड तरीका सॉल्व करते हैं। नो बुक्स आर जार, क्या बुक और जार के बीच नो का रिलेशन है? है सर। है? कैसे कैसे है नो का रिलेशन? आरती बताओ, आरती आपने बोला ना? किसने बोला? नो सर मैंने नहीं बोला। आपने बोला? नो सर मैंने नहीं बोला। किसने बोला? अगर पूछो डरो मत, क्या है डाउट क्लियर कर लो, वो बेटर रहता है कि डाउट मन में रखने से अच्छा। किसने कहा मैं क्लियर कर देता हूँ? किसने बोला? सर मैं कविता हूँ, मुझे कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन हो गया। अच्छा एक बात बताओ कविता, ये बताओ एक टाइम पे दो सब्जेक्ट एक ही रिलेशन ही शो करेगा, जैसे देखो यहाँ पे बुक्स, नो बुक्स आर जार, बुक और जार के बीच में आपके हिसाब से क्या रिलेशन शो हो रहा है वेन डायग्राम पे? पेंसिल। क्या शो हो रहा है? बुक और जार में पेंसिल। नहीं मैं बिटवीन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनके बीच क्या रिलेशन शो हो रहा है, ऑल का रिलेशन शो हो रहा है सम का या नो का? अच्छा देखो ऑल का रिलेशन शो हो रहा है तो ये नो कैसे उन्होंने बोला, इसके रॉन्ग किया। ओके, सम पेन सर पेंसिल, क्या पेन का कुछ हिस्सा पेंसिल है क्या? जरा देखिए करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो यहाँ पर। चलो रफ कर दो, रफ कर दो, हाँ कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था? Some bowls are spoons, some spoons
आर फॉल्स. नो नो बाउल्स आर फॉल्स. सेकेंड, सम स्पून्स आर प्लेट्स. सर प्लेट सही नहीं वहां पे स्टेटमेंट में, प्लेट सही नहीं. प्रिंटिंग मिस्टेक्स. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सम वाउल्स आर स्पून दिया है ना, और सम स्पून इज फॉर्क दिया है. सम स्पून इज बाउल ले लो. सेकंड फॉलो. अगले सेकंड 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 फॉलो. सेकंड फॉलो. चलो, सम बाउल्स आर स्पून, सम स्पून्स आर फॉर्क. नो बाउल आर फॉर्क. दो नो करिलेशन है क्या दोनों के बीच में, मुझे बताओ. बाउल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सम स्पून्स आर बाउल. बाउल और स्पून के बीच में सम का रिलेशन है. Yes, sir. ये करेक्ट हो जाएगा. क्लियर? ओनली सेकंड फॉल्स. रफ कर दो. क्या रफ कर दो? हाँ कर. हाँ सर. यस सर. Some bottles are jars. All jars are buckets. All buckets are tanks. Conclusion number one. All jars are tanks. Number two. No buckets are tanks. Only first follow. Only first. What are you concerned about? So only first follow. First follow. Only first. Okay. Yes, sir. First. चलिए सॉल्व करते हैं. सम बॉटल्स आर जार. बॉटल का कुछ हिस्सा जार है. ऑल जार आर बकेट्स. पूरा का पूरा जार क्या है? बकेट है. ऑल बकेट्स आर टैंक. पूरा का पूरा बकेट क्या है? टैंक है. तो नो वाला तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कट हो जाएगा ना. नो वाला कट होगा कि नहीं? यस सर. Yes, sir. All jar are tank. क्या पूरे का पूरा जार टैंक के अंदर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Only first follow. Second follow किसका हो रहा था? किसी का तो सेकेंड फॉलो हो रहा था ना. अच्छा ये बताओ, नो बकेट आर टैंक. क्या बकेट और टैंक के बीच में नो का रिलेशन है या ऑल का रिलेशन? All का. All. No कैसे होगा? No cancel हो जाएगा. चलो clear है सबको? अभी तक जितने question लिए अभी तक clear है? Yes sir. Yes sir. चलो rough कर दो. Yes sir. नहीं सर बोलो. गायत्री क्या लिखना? गायत्री बताओ क्या करना, कौन सा लिखना था? ये लिखना था क्या? लिख लो.
डन हाँ सर हो गया चलो सॉल्व करते हैं Some phone or mobile some mobile or computers some computers or keys conclusion number one some phones R keys. Number two, some computers are phones. None follow. Okay. None follow, sir. Okay, check करते हैं बाकी लोग आंसर आएंगे. Non-follow. चलो सॉल्व करते हैं. Some phones are mobile. Phone का कुछ हिस्सा क्या है? Mobile है. Some mobile are computer. Mobile का कुछ हिस्सा computer है. और some computer are key. Computer का कुछ हिस्सा key है. सबका Venn diagram इसी तरीके से बना था? Yes sir. चलिए some phone are key. क्या फोन और की में सम का रिलेशन है? नो. कैंसल. सम कंप्यूटर और फोन. कंप्यूटर और फोन में सम का रिलेशन है? नो. अगर मैं आपसे कहूँ सम मोबाइल और कंप्यूटर. हाँ सम कंप्यूटर और मोबाइल राइट होगा? यस सर. ओके चलो रफ कर दो. हाँ रफ. ये हमारा 18वां क्वेश्चन है ना? 18 है ना? 17. नहीं सर 17 है. हमने एक मिस किया. ऑल स्टार्स लिखो. स्टार है. ऑल स्टार आर सन्स. Some suns are planets. All planets are satellites. Number one, sun satellites are stars. Number two, no. Satellites are sun. None follow. None follow. Very good. None follow. None follow. Solve करें. बताओ तो और टाइम चाहिए या सॉल्व करें? देखो पूरा वेन डायग्राम पॉजिटिव है. ऑल सम ऑल नेगेटिव है. नहीं सेकंड वाला तो वैसे भी कैंसिल. अब आ जाओ फर्स्ट वाले पे. फर्स्ट वाला देखने के लिए बनाना पड़ेगा. ऑल स्टार आर सन. सम सन इज प्लैनेट. ऑल प्लैनेट इज सैटेलाइट. सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था. Yes. ठीक है. Some satellite are star. क्या satellite का कुछ हिस्सा star है क्या?
कैंसल और नो सैटेलाइट्स आर सन, क्या सैटेलाइट और सन के बीच नो का रिलेशन है क्या? नो सर. कैंसल और नल फॉल रफ कर दो क्या? मैं रफ कर दूं? हाँ सर. यस सर. चलो और क्वेश्चन ले लो. ऑल फिशेस आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर रेट्स, all rats are cows. Number one, all birds are cows. Number two, all rats are fishes. Something. First follow. ठीक है, बाकी लोग क्या आंसर आएंगे? सर फर्स्ट फॉलो. ओनली फर्स्ट. और कोई है? स्टार्ट करूंगा. और कोई है? चलो सॉल्व करते हैं. ऑल फिशेस आर बर्ड, ऑल फिशेस आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर रेड, पूरा पूरा बर्ड क्या है? रेड है. All rats are cow. पूरे का पूरा रेट क्या है? All birds are cow. क्या पूरा पूरा बर्ड काउ के अंदर है क्या? Yes, sir. हाँ. राइट हो जाएगा. All rats are fishes. क्या पूरा का पूरा रेट फिशेस के अंदर है क्या? No, sir. No. ये रॉन्ग हो जाएगा. Only first part. Clear everyone? हाँ सर. Yes. चलिए रफ कर दो. Rats are fishes करेक्ट होता था ना? कौन सा? Some क्या बोल रहे हो? Rats are fishes. Yes. Yes. Right. Correct. चलो रफ कर दो. हाँ. Last question. आज का कितना हो गया हमारा क्वेश्चन? 18 हो गया. ओके. ऑल कर्टन्स आर रॉड्स, सम रॉड्स आर शेड्स, सम शेड्स आर पिलो. नंबर वन, सम पिलो आर रॉड्स. Number two, some rods are curtains. Solve करिए. None follow. None follow. Okay. Sir, second follow आ रहा है. Second आ रहा है? हो गया. Sir, second follow है. नन वाले एक बार चेक करो जरा, सेकंड और सेकंड वाले चेक करो क्या नन तो नहीं है ना? अभी तक तो सब सही चल रहा था, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया लास्ट क्वेश्चन में. लास्ट है ना? हाँ सर, सेकंड. सर सेकंड फॉलो है. सेकंड फॉलो. चलो सॉल्व करते हैं. ऑल कर्टन्स आर रॉड, पूरा का पूरा कर्टन क्या है? रॉड है. सम रॉड आर शेड एंड ऑल शेड्स आर पिलो. सबका हो गया? इसे वेन डायग्राम. यस सर. एक मिनट. सम पिलो आर रॉड, क्या पिलो का कुछ हिस्सा रॉड है क्या? सर नहीं है. सम रॉड आर कर्टन, क्या रॉड
सम रॉड आर कर्टन, रॉड कहाँ पे है, रॉड आर कर्टन, हाँ बताओ, फॉलो हो रहा है सेकंड, ट्रू। ये थाने और मुंबई वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा ऑल सम नो का अच्छा खासा प्रैक्टिस। अभी आप लोग का ड्यूटी ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में जब आओगे मैं आपसे रुपये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार रिवाइज करके आना, अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे समझ जाना कि आपको पॉसिबिलिटी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कविता म्यूट योरसेल्फ एंड ये ऑल सम नो का एक बार रिवाइज करके आना, चाहे तो स्टार्टिंग में जो लिखा के दिया है वही एक 5 मिनट में गो थ्रू कर लेना, फिर आना यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। पॉसिबिलिटी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एक बार रिविजन का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। चलो रफ कर दूं मैं इसे, हाँ चलो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक शॉर्ट रिकॉल ले लेते हैं। हमने ये देखा था कि इनइक्वालिटी में ऑल का टाइप देखा, सम का देखा, नॉट का देखा, नॉट का देखा, और पॉसिबिलिटी ये एक टाइप है, वन ऑफ द टाइप ऑफ सिलोगिज्म एंड सम नॉट। अच्छा ये लिख लो आप, पॉसिबिलिटी के आगे लिख लेना कैन बी, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, उसको पहले शीट में अगर आपने लिखा होगा उसके आगे लिख लेना कैन बी, और सम नॉट के आगे लिख लेना कैन नेवर बी, दोनों का मतलब एक ही है। छठवा है ओनली, और सातवा था हमारा ओनली अ फ्यू, क्लियर? ये देखा था हमने ऑल में, क्या देखा था हमने वेन डायग्राम की ऑल थाने इज मुंबई, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया था, क्या है था सम मुंबई थाने, वेरी गुड, ऑल सम थाने इज मुलुंड, तो कंक्लूजन क्या आया था हमारा, सब मुलुंडे थाने, एग्जैक्टली, नो रोहित राहुल, नो रोहित इज राहुल, तो कंक्लूजन राहुल इज रोहित, नो राहुल इज रोहित, तो आपने नोटिस किया सब रिवर्स हो रहा है, देखो नो राहुल इज रोहित, सम मुलुंडे थाने, सम मुंबई थाने, सब रिवर्स हो रहा है, स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं बन रहा है, ये हमने देखा था और इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की थी। और हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, आइदर और का जो रूल है जो ऑप्शन में आता है पांचवा वाला, मैंने बताया था ना पांचवा वाला ऑप्शन आइदर और होता है, जैसे अगर आपका पहला फॉलो हो रहा तो क्या लिख रहे थे आप, ओनली फर्स्ट फॉलो, दूसरा फॉलो हो रहा तो ऑप्शन में क्या आया था, ओनली सेकेंड फॉलो, तीसरा था अगर दोनों फॉलो होगा तो बोथ फॉलो, चौथा था अगर दोनों फॉलो नहीं हो रहा है तो नाइदर वन नॉट सेकेंड फॉलो, इस पे टिक कर रहे थे ना अभी तक आप स्टूडेंट्स, बताओ, यस सर, पांचवा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन आता है आइदर वन और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, इसके कुछ रूल्स हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, शुरुआत इधर से करेंगे हम लोग, देन पॉसिबिलिटी पाएंगे, पॉसिबिलिटी आना बहुत जरूरी है, अगर पॉसिबिलिटी अच्छे से आ गया ये समझ लेना कि बाकी के जो ये हार्ड वाले जो टाइप है ना बहुत ईजी हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी आना बहुत जरूरी, और पॉसिबिलिटी तभी आएगा जब का ऑल सम नो का रिवीजन करके आओगे, तो अगर आपने रिवीजन करके नहीं आए और आप सोचोगे कि मैं चलो देख लेते हैं जो होगा तो देख लेते हैं, तो मतलब समझ लो सिलॉक्स आपको देख लेगा, फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे और ये डाउट हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा, तो ये ऑल सम नो का प्रैक्टिस अच्छे से करके आना, पॉसिबिलिटी मेरी गारंटी अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा या आपने एक बार गो थ्रू किया होगा तो पॉसिबिलिटी मैं आपको सिखा दूंगा, पॉसिबिलिटी आ गया और सम नॉट ओनली ओनली फ्यू बहुत इजी हो जाएगा, क्लियर एवरीवन, यस सर, यस सर, ठीक है यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।